गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। एक डॉटर है, उनकी ग्रैंडडॉटर है और एक ग्रैंडफादर है, ठीक है। एक डॉटर है, उसके ग्रैंडफादर है, तो उसके फादर उससे कितने, ग्रैंडफादर उससे कितने, 10 टाइम्स। अगर जो भी एज होगी ग्रैंडडॉटर की, मान लो एक्स है, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी हमारी, 10 × x, क्योंकि उसके 10 टाइम है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। वो उससे कितने बड़े हैं, 54 ईयर बड़े हैं। अगर ये x की है तो ये कितने के हैं, 54 प्लस x है, x से कितने बड़े हैं, 54 ईयर ज्यादा बड़े। तो हमने फाइंड करना है आपको, हमने फाइंड करना है आपको उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखो ये एज और ये एज दोनों हमारे पास इक्वल है। तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट इक्वल ले सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को इक्वल ले दूं, 10x इक्वल टू 54 प्लस x, दोनों के हैं, उसकी ग्रैंड फादर की एज है। अगर इन दोनों को इक्वल रख देता हूं मैं, तो ये क्या रहेगा, 10x इक्वल टू 54 प्लस x, x यहां आ जाएगा, कहां, इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 54, तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54, x इक्वल टू 54 अपॉन 9, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब जो ग्रैंड ऑर्डर है वो कितने साल की है, 6 ईयर की है, तो उसके ग्रैंडफादर कितने के होंगे, प्लस 6 = 60। और हाँ, इसका पहला स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो जा रहा है, इसकी एज कितनी है, 60 है, और ये अपने डॉटर से कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है। तो 6 का 10 टाइम्स कितना होता है, 6 का 10 टाइम होता है 60, ठीक है। तो उसके ग्रैंडफादर 60 ईयर के होंगे, और जो हमारी डॉटर है इनकी, ये कितनी है, क्योंकि 6 ईयर की। इन दोनों को इक्वल रख सकते थे, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। तब हमने इन दोनों को इक्वल लिखा। तो इसको लिखना कैसे है, स्टेटमेंट आप बना सकते हैं वैसे, चलो बना लेते हैं इसको जल्दी से। तो इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखिए क्या है, पहले मान लो हमने लेट द ग्रैंड डॉटर एज बी एच, तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है हमारे पास, एच है। उसके बाद है हर ग्रैंडफादर बी 10 × x, कैसे पता, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे, उसके एज के 10 टाइम्स है, तो उसके एज के 10 टाइम्स हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है जो उसके ग्रैंडफादर की एज है वो उससे कितनी है, 54 ईयर ग्रेटर। तो यहां लिखेंगे ग्रैंडफादर एज 54 ईयर मोर देन ग्रैंडडॉटर। तो ग्रैंडडॉटर से कितनी, 54 ईयर ज्यादा है। ग्रैंडडॉटर की एज कितनी मानी हमने, एक्स, इससे कितनी ज्यादा है, 54 ईयर ज्यादा है। ये भी ग्रैंडफादर की एज है, इक्वल टू एक्स इंटू 10, ये भी किसकी है, ग्रैंडफादर की एज है। तो अगर मेरी एज मान लो एक्स है, तो मेरी एज एक्स से बराबर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ को कि एक्स को ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 54 इक्वल टू 10x, एज इस साइड भेज देंगे, 54 इक्वल टू 10x माइनस एक्स, 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 54 अपॉन 9, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। x अगर 6 हो जाएगी तो यहाँ लिख देंगे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हो जाएगा एज ऑफ डॉटर इक्वल टू x मानी, तो x की वैल्यू कितनी है, 6, और ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कितनी हो जाएगी, x इंटू 10 था, तो 6 इंटू 10 कितना होता है, 60, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा,
तो हमने क्या माना पेरेंट डॉटर की x मानी ग्रैंडफादर की x * डेट दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा हूं ग्रैंडफादर इज 54 ईयर मोर देन ग्रैंडडॉटर ग्रैंडडॉटर की जगह x है तो उससे कितना ज्यादा है 54 ईयर ज्यादा है x और 54 ये भी ग्रैंडफादर की एज है ये भी ग्रैंडफादर की एज है इन दोनों को इक्वल रख दिया तो हमारा आंसर आ गया।